चाय वाली की दुकान है साहब, जो आजकल खूब चर्चा में है। जितनी चर्चा उनकी दुकान की है, उतनी ही चर्चा इस दुकानदार की भी है। दुकानदार का नाम पंकज शर्मा है, जो शिक्षा में तो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर चाय की दुकान खोलकर अपनी एक अलग पहचान बना ली। तो आइए आज आपको पंकज उर्फ मैट्रिक फेल चाय वाले से रूबरू कराते हैं। बिहार शरीफ मुख्यालय के भरावपुर चौक के पास सानू उर्फ पंकज शर्मा ने मैट्रिक फेल चाय वाला दुकान खोली है। मैट्रिक फेल चाय वाले के नाम से टी स्टॉल चलाकर पंकज अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पंकज सही से पढ़ाई नहीं कर सके। फिर साल 2019 में मैट्रिक की परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गए। घर की परेशानी को देखते हुए उन्होंने स्वरोजगार का फैसला ले लिया, जिसके बाद उन्होंने साल 2022 में अपनी ये दुकान खोली। पंकज की मेहनत आखिरकार रंग लाई और ये दुकान अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके हाथ की चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और कभी कभी तो आलम ये हो जाता है कि यहाँ चाय पीने के लिए लाइन लग जाती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के छात्र और महिलाएं भी यहाँ चाय पीने के लिए आती हैं। यानी कि अब बिहार में ग्रेजुएट चाय वाली, कैदी चाय वाला, MBA चाय वाले के बाद आ गया है मैट्रिक फेल चाय वाला, जिसके चाय की जायके की चर्चा हर तरफ हो रही है। नालंदा से अमृतेश कुमार की रिपोर्ट, ABP बिहार। Oh,